रखेगा, देखा इस पे फोकस रखेगा। देखे बच्चों, यहाँ पे आपको कितनी ग्लासें दिखी रखी दिख रही हैं? छह दिख रही हैं। कितने में पानी भरा, कितने में नहीं भरा है? तीन क्या है बच्चों? ये एक साइड में है, तीन एक साइड में, ठीक है। तो आज हम आपका आईक्यू टेस्ट करेंगे कि आपका दिमाग कितनी तेज चलता है, ठीक है। तो आपको मैं एक चैलेंज दे रहे हैं, तो दिमाग को टेस्ट करेंगे आप अपना अपने कितना तेज चलता है। तो आपको इसमें करना क्या है, केवल एक ग्लास को टच करना है, या एक ग्लास को आप छेड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, दूसरी ग्लास को नहीं टच करना है। और करना क्या है कि अल्टरनेट, यानी एक ग्लास भरी एक खाली, एक भरी एक खाली, इस तरीके से आ जाए, ठीक है। समझ गया ना अल्टरनेट मतलब? तो कौन आएगा चैलेंज एक्सेप्ट करने? आ जा, चलिए भाई देखते हैं कैसे करते हैं। थोड़ा बेटा पास में ही रखना, दूर मत ले जाना। हाँ कैसे करेंगे बताइए। अरे अरे रुक 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 रुक, तुम्हें पता है, चलो जाओ बैठो गए तुम, गलत पता है तुम्हें। हाँ बताइए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, आप इसमें डालेंगे तो फिर देखिए, एक एक खाली, एक भरा एक खाली, दोनों भरे आ जाएंगे, है ना? यस मैम। गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा करना है आपको, बताइए, दिमाग लगाइए। केवल एक ही को आप छेड़ सकती हैं, फिर ये तो आप दूसरी टच करने जा रही हैं, तो गड़बड़ हो गया हमने खाली। चलिए कैसे करेंगी बेटा? हाँ इस वाले में, चलिए डालिए, देखिए खाली इन्होंने एक ग्लास टच करी, करी कि नहीं? एक ही तो करी ग्लास, और देखिए कैसा हो गया, अल्टरनेट हो गया, एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा, हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए क्लैपिंग करिए भाई। देखिए बच्चों, ये क्या आपको दिख रहा है? ग्लास दिख रही है। इसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? तीन चतुर्भुज यानी स्क्वायर दिख रहा है, एक दो तीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन एक हमारे पास अलग से ग्लास है, इसको भी क्या करना है, स्क्वायर में रखना है। लेकिन आपको स्क्वायर बनाना कैसे है, इसके लिए एक शर्त है कि इनमें से आप कोई तीन तीली हटाएंगे, तीन स्टिक हटाना ही है आपको, चौथा स्क्वायर बनाना है और उसमें ये ग्लास रखना है, और स्क्वायर बंद होने चाहिए, बंद, ठीक है। चारों हमारी ग्लासों को फिक्स करना है, यानी उसको स्क्वायर देना, क्योंकि ये बेचारी अलग बैठी है ना, ठीक है। तो कौन आएगा करने के लिए? हम। हाँ तो सबसे पहले सूर्य करेंगे, इसको करके दिखाएंगे सूर्य। चलिए कैसे आप इसको, इसे तीन से चार स्क्वायर बनाएंगे? तीन तीलियों। हाँ तीन, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं तीन तीलियों को। आ रही नंद भाई, एक ही बार बना दिया। चलिए क्लैपिंग करिए सूर्य के लिए। चलिए कि जितनी भी पत्तियां होती हैं, इनका जो ऊपर वाला भाग होता है कैसा होता है? चिकना। लेकिन पीछे वाला खुरदरा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता भाई? ये प्रकाश आता है बच्चों, सूर्य का प्रकाश, तो जितना जरूरत होता है वो क्या होते हैं, पत्तियां। भाई पत्तियां खाना बनाती है, नहीं बनाती है? जैसे हम लोग भाई गैस जलाते हैं, ठीक, तो जितनी जरूरत होती है उतनी तो गैस जलाते हैं, कभी धीमे कर देते हैं, कभी तेज कर देते हैं। अब भाई पौधों में तो गैस होती नहीं है, गैस तो सूर्य देवता ही होते हैं, तो क्या करते हैं, जितना प्रकाश उनको जरूरत होता है उतना ले लेती हैं, बाकी क्या करती हैं, परावर्तित कर देती हैं। और इसके उल्टा ये खुरदरी इसलिए होती हैं क्योंकि बच्चों इसमें देखिए आपको, देखिए बच्चों शिराएं दिखाई पड़ती हैं पीछे, इनका काम क्या होता है, और शिराएं क्या करती, पूरे पौधे में भोजन और पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक। छोटे छोटे छेद होते हैं जो सांस लेते हैं पौधे, है ना, बच्चों वाष्पोत्सर्जन करते हैं।